हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू सक्सेस एडुटेक। आई होप यू ऑल आर गुड और आप सभी की तैयारियां बहुत अच्छी चल रही हैं। तो जैसा कि हमने स्टार्ट किया था, एक हम प्रैक्टिस क्वेश्चन सीरीज़ कर रहे हैं। तो यहां पर ये हमारी क्वेश्चन सीरीज़ का आज का वीडियो है। तो आइए इसमें हम देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं कुछ क्वेश्चंस की। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, ए सेल्स टू टीवी सेट्स, वन एट अ लॉस ऑफ 15% एंड अनदर एट अ प्रॉफिट ऑफ 15%। फाइंड द लॉस गेन परसेंट इन द ओवरऑल ट्रांजेक्शन। तो देखिए, हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं जो टीवी सेट है उसकी जो कॉस्ट प्राइस है वो कितनी है, 100 रुपीज़ है। इसमें क्या बोल रहा है कि एक टीवी को वो 15% लॉस पर सेल करता है, यानी उसकी ओरिजिनल प्राइस है 100 रुपीज़, इसमें उसको 15% लॉस होता है, यानी ए को वो 85 रुपीज़ में सेल करता है क्योंकि उसको 15% का लॉस हो रहा है। उसकी ओरिजिनल प्राइस थी 100, उसको सेल करता है वो 85 रुपीज़ में। और जो बी है, उस टीवी पर उसको 15% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी 100 उसकी एक्चुअल प्राइस थी और उसको वो 115 में, यानी 115 रुपीज़ में सेल करेगा, तो उसको 15% का प्रॉफिट होगा। तो अब हमसे ये पूछा है कि ए टीवी जिसको उसने 15% लॉस पर सेल किया है और बी टीवी जिसको उसने 15% प्रॉफिट पर सॉल्व किया है, तो इन दोनों का जो कंबाइंड प्रॉफिट और लॉस परसेंट है वो कितना है। तो देखिए, यहाँ पर हमारी दो टीवी की ओरिजिनल प्राइस कितनी हो रही थी, 200, क्योंकि एक टीवी की प्राइस थी 100। और यहाँ पर जब उसने दो टीवी सेल की तो उसकी प्राइस भी कितनी हुई, 200, जबकि एक में लॉस हुआ है और दूसरे में प्रॉफिट हुआ है, फिर भी जो दोनों टीवी की सेलिंग प्राइस है वो कितनी है, 200, और कॉस्ट प्राइस भी कितनी है, 200। इसका मतलब उस शॉपकीपर को ना तो प्रॉफिट हुआ है ना तो लॉस हुआ है, क्योंकि 200 उन दोनों टीवीज की प्राइस थी और 200 में ही सेल किया उसने, एक पर 15% लॉस और दूसरे पर 15% गेन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कैन डू हाफ ऑफ ए पीस ऑफ वर्क इन 8 डेज वाइल बी कैन डू 1/3 ऑफ द सेम वर्क इन 8 डेज, इन हाउ मेनी डेज कैन बोथ डू इट टुगेदर। तो देखिए, एक कोई काम है जिसको ए उस काम का हाफ पार्ट 88 डेज में कर रहा है, यानी हाफ पार्ट कितने डेज में कर रहा है, 8 डेज में। इसका मतलब ए उस काम को कम्प्लीटली कितने दिन में कर देगा, 16 डेज में। ए उस काम को कम्प्लीटली 16 डेज में कर देगा। अगर हम बी की बात करें तो बी एक काम का 1/3 पार्ट 8 डेज में कर रहा है, तो बी उस काम को कम्प्लीटली 24 डेज में कर देगा। हमने ये फाइंड कर लिया, ए उस काम को 16 डेज में करेगा और बी उस काम को 24 डेज में करेगा। अगर हम यहाँ से देखें तो एक दिन में ए उस काम का 1/16 पार्ट कर रहा है और बी एक दिन में उस काम का 1/24 पार्ट कर रहा है। तो दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करेंगे, दोनों मिलके एक दिन में काम करेंगे, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 5/48, यानी एक दिन में ये इतना काम कर रहे हैं। तो कंप्लीट इस काम को कंप्लीट करने में कितना टाइम लग जाएगा उन्हें, तो वो लग जाएगा 1/5/48, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 48/5, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका ए। यानी ए और बी दोनों मिलके एक साथ इस काम को करें तो वो 9.6 डेज में इस काम को कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही है तो आप इसको सब्सक्राइब, हम इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसको शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट हो सके। आइए हम अपना आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वो है, अ ट्रेन 150 मीटर लॉन्ग इज रनिंग विथ अ स्पीड ऑफ 68 किलोमीटर पर आवर, एट वॉट टाइम विल इट पास अ मैन हु इज़ रनिंग एट 8 किलोमीटर पर आवर इन द सेम डायरेक्शन इन विच द ट्रेन इज गोइंग। तो देखिए, क्वेश्चन क्या है, एक ट्रेन है जो कि 150 मीटर लॉन्ग है, यहाँ पे एक मैन है जो कि
इसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में आपकी ट्रेन जा रही है, ट्रेन जा रही है 68 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और ये जो मैन है ये जा रहा है 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो हमसे पूछा है कि कितने टाइम में ये जो ट्रेन है इस मैन को क्रॉस कर देगी। तो देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा चेंज कि यहाँ पर जो मैन है वो नहीं है, वो भी क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। यानी हम मान लेते हैं मैन टी टाइम में एक्स डिस्टेंस ट्रेवल करता है। तो अब ये जो ट्रेन है, इस ट्रेन को, इस मैन को पूरा क्रॉस करने के लिए कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी, 150 प्लस एक्स डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी इसको, ट्रेन को, अगर इस मैन को क्रॉस करना है। ओके, तो अब हम निकाल लेते हैं, हमारे पास फॉर्मूला होता है स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। उससे पहले हम कन्वर्ट कर लेते हैं ये जो स्पीड दी हुई है ट्रेन और मैन की किलोमीटर पर आवर में, इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर पर सेकंड में, क्योंकि जो ट्रेन की स्पीड है वो हमें मीटर में दी है और टाइम के जो भी ऑप्शन है वो हमारे पास सेकंड्स में है, इसलिए हम स्पीड को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हम सबसे पहले ट्रेन की स्पीड को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं, वो हो जाएगी 68 × 5/8। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हम 5/18 का मल्टीप्लाई करते हैं, इसको हम सॉल्व कर देते हैं, 2 से ये हो गया 34 और ये हो गया 9। जब हमने इसको सॉल्व किया तो ये हो गया 5 × 4 = 20 = 15 = 70 मीटर पर सेकंड। यानी जो ट्रेन की स्पीड है वो कितनी है, 170/9 मीटर पर सेकंड, और जो मैन की स्पीड है वो कितनी है, वो हो जाएगी 8 × 5/18, यानी ये हो जाएगी 20/9 मीटर पर सेकंड। यानी अब हमारे पास स्पीड आ गई मीटर पर सेकंड में, ट्रेन की स्पीड कितनी आ गई, 170/9 मीटर पर सेकंड, और मैन की स्पीड आ गई 20/9 मीटर पर सेकंड। तो देखिए हम फर्स्ट कंडीशन लगाते हैं, ट्रेन जो कि 170/9 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रही थी, उसको कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी है, 150 + x, कितने टाइम में, तो टी टाइम में। हमारी सेकंड कंडीशन, जो मैन है वो कितनी स्पीड से जा रहा है, 20/9 मीटर पर सेकंड, उस वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, एक्स डिस्टेंस, कितने टाइम में, टी टाइम में। हमारे पास दो इक्वेशन बन गई, इन दोनों इक्वेशंस को हम जब सॉल्व करेंगे, हम इस इक्वेशन सेकंड इक्वेशन से हम एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे टी के रिस्पेक्ट में, वो वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे, फिर हमें एक टी के फॉर्म में इक्वेशन मिलेगी और उसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास टी की वैल्यू आ जाएगी और वो आ जाएगी 9 सेकेंड्स। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया और आप जो कैलकुलेशन है वो कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अ ट्रेन कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 12 किलोमीटर in 10 minutes इफ इट टेक्स 6 सेकेंड टू पास अ टेलीग्राफ पोस्ट द लेंथ ऑफ द ट्रेन इज। यानी हमें डिस्टेंस दी हुई है और टाइम दी हुई है, तो सबसे पहले हम ट्रेन की स्पीड फाइंड करते हैं मीटर पर सेकेंड में, क्योंकि टाइम हमारे पास सेकेंड्स में है। तो हम जो डिस्टेंस है उसको कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर में, यानी 12 किलोमीटर = 12,000 meters, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1,000 meters होता है। टाइम दिया है हमें मिनट में, हम टाइम को कन्वर्ट कर लेते हैं सेकेंड्स में। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 6 × 1 = 6 और 6 × 2 = 12, यानी जो ट्रेन की स्पीड है वो हमें मिल गई 20 meters per second। अब हमसे पूछा है कि एक टेलीग्राफ पोस्ट है, इसको ये 6 सेकंड में क्रॉस करती है, तो इसकी डिस्टेंस कितनी होगी, तो वो हम कैसे फाइंड करेंगे, तो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब जो टेलीग्राफ पोस्ट है वो तो क्या है, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, और ट्रेन क्रॉस कर रही है, यानी जितनी भी ट्रेन की लेंथ होगी उसको उस पॉइंट ऑब्जेक्ट से क्रॉस करने में जो टाइम लगेगा वही होगी ट्रेन, वो कितना टाइम होगा, वो टाइम होगा ट्रेन की जो लेंथ है उसको इस टेलीग्राफ पोस्ट को क्रॉस करने में कितना टाइम लगा। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, ट्रेन की लेंथ मिल जाएगी। स्पीड दी हुई है हमने फाइंड कर ली 20 meters per second, डिस्टेंस हमें निकालना है, टाइम दिया है 6 सेकंड, यानी इस टेलीग्राफ पोस्ट को ये ट्रेन 6 सेकंड में क्रॉस करती है, तो टी हो गया 6। तो यहाँ से हमें डिस्टेंस मिल गई 120 meters, यानी ट्रेन की जो लेंथ है वो कितनी है, 120 meters। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, एज सैलरी इज 50% मोर देन बीज, हाउ मच परसेंट इज बी सैलरी लेस देन ए।
देखिए ऐसे क्वेश्चन करने के लिए हम क्या करते हैं, एक कोई सा भी नंबर एज्यूम कर लेते हैं। तो हम मान लेते हैं जो बी की सैलरी है वो कितनी है, 100 रुपीज़। अब हमसे क्या बोला है कि जो ए की सैलरी है वो बी की सैलरी से 50% ज़्यादा है, यानी ए की सैलरी कितनी हो गई, 150 रुपीज़। सिंपल। अब हमसे पूछा है कि बी की सैलरी ए की सैलरी से कितने परसेंट लेस है, तो वो हम कैसे निकालेंगे, 150 माइनस 100 अपॉन 150 इंटू 100। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 150, 50 अपॉन 150, ये हो जाएगा 50 अपॉन 150 इंटू 100। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 33 एंड 1/3%, यानी 33.33%। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्राइज ऑफ एन आइटम इज़ डिक्रीज बाई 25%, वट परसेंट इंक्रीज मस्ट बी डन एट अ न्यू प्राइस टू गेट द ओरिजिनल प्राइस। यानी हमें एक कमोडिटी है उसकी प्राइस को 25% हम डिक्रीज कर देते हैं, यानी पहले हमारी जो इनिशियल प्राइस थी वो मान लेते हैं हम ए थी, जब हमने 25% डिक्रीज की तो हमारी फाइनल प्राइस हो गई बी। अब हमें क्या करना है, इस बी में कितना परसेंट हम इंक्रीमेंट करें कि वो वापस उसकी जो प्राइस है वो इनिशियल वाली हो जाए ए, ये है क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को फिर अगेन हम एज्यूम करके सॉल्व करेंगे, यानी हमने मान लिया जो इनिशियल प्राइस थी उस आइटम की, उस कमोडिटी की, वो थी 100 रुपीज़। उसमें हमने डिक्रीमेंट किया 25% का डिक्रीमेंट किया, तो अब जो प्राइस हो गई वो कितनी हो गई, 75%, 75 रुपीज़। अब हमें क्या करना है, ये जो 75 रुपीज़ है हम इसमें कितना इंक्रीमेंट करें कि वापस ये 100 रुपीज़ हो जाए। तो हम कितना इंक्रीमेंट करेंगे, यानी हमको 75 में 25 रुपये और ऐड करना है, तो वापस जो प्राइस है वो इनिशियल प्राइस हो जाएगा, यानी 100 हो जाएगा। तो वो परसेंटेज निकालना है हमें, वो कैसे निकलेगा, तो 25 अपॉन 75 इंटू 100, और वो हो गया 33.33%। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ द सेलिंग प्राइस इज डबल द प्रॉफिट ट्रिपल द प्रॉफिट परसेंट इज। हमसे बोला गया है कि एक कोई प्रोडक्ट है जिसकी सेलिंग प्राइस को अगर डबल कर दिया जाता है तो उसमें जो प्रॉफिट होता है वो कितना हो जाता है, ट्रिपल हो जाता है। तो हमें बताना है कि जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो कितना है। तो इस क्वेश्चन को देखिए कैसे फाइंड हम करेंगे, हमें पता है प्रॉफिट कैसे फाइंड करते हैं हम, प्रॉफिट फाइंड करते हैं हम सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, ये हमारी फर्स्ट कंडीशन है। अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें सेलिंग प्राइस को डबल कर रहे हैं, सेलिंग प्राइस को हमने डबल कर दिया, तो जो प्रॉफिट है वो कितना हो गया, ट्रिपल हो गया। ये हमारे पास दो इक्वेशन हो गई। फर्स्ट इक्वेशन से हम क्या करते हैं, एस की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं और हम उसकी वैल्यू सेकेंड इक्वेशन में रख देते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन से जब हम एस की वैल्यू फाइंड करते हैं तो वो हो जाएगी एस की वैल्यू पी सी अपॉन 100 प्लस सी, पी सी अपॉन 100 प्लस सी, ये हो गई एस की वैल्यू। हम एस की वैल्यू को यहाँ पे रख देंगे और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, पी की वैल्यू हमें मिल जाएगी, वो हो जाएगी 100%, यानी जो प्रॉफिट था उस प्रोडक्ट का था 100%। इसको हम देख लेते हैं एग्जांपल से। मान लीजिए जो कॉस्ट प्राइस थी वो क्या थी, 10 रुपीज़, ठीक है, 10 रुपीज़। जब इस पर 100% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी जो सेलिंग प्राइस इस प्रोडक्ट को शॉपकीपर है वो 20 रुपये में बेच रहा है, तो इसको कितना प्रॉफिट हुआ, 100%, 10 रुपीज़ का। अब हमने सेलिंग प्राइस डबल कर दिया, यानी हम इस प्रोडक्ट को 40 रुपीज़ में बेच रहे हैं, तो अब जो प्रॉफिट है वो कितना हो जाएगा हमें, 30 रुपीज़, यानी ट्रिपल हो गया। तो देखिए हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, हमने जब सेलिंग प्राइस को डबल किया तो प्रॉफिट कितना हो गया, 3 गुना हो गया, यानी जो इनिशियल प्रॉफिट परसेंटेज था वो कितना था, 100%, ऑप्शन सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मैन लेंट अ सम ऑफ मनी एट अ रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 4%, इफ़ द इंटरेस्ट फॉर 8 ईयर इज ₹340 लेस देन द प्रिंसिपल इज। यानी एक कोई पर्सन है वो कि जो कि क्या करता है, मनी देता है इंटरेस्ट पर
और 4% इंटरेस्ट रेट पर 8 साल में जो इंटरेस्ट होता है वो प्रिंसिपल अमाउंट से 340 कम होता है। तो इंटरेस्ट क्या दिया हुआ है हमें, पी माइनस 340 ये दिया हुआ है हमें इंटरेस्ट। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट का, आई इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। आई की वैल्यू कितनी है, पी माइनस 340, इन पी हमने रख दिया, हमें रेट दिया है 4%, टाइम दिया है 8 ईयर, ये हो गया अपॉन 100। हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा 100p माइनस 34000 इक्वल्स टू 32p। हम इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 68p माइनस इक्वल्स टू 34000, 68p इक्वल्स टू 34000 और p की वैल्यू हो जाएगी 34000 अपॉन 68। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2, ये हो गया 1 और इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 500, यानी पी की वैल्यू कितनी आ गई 500। ऑप्शन हमारा ए, ऑप्शन हमारा ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सम वाज इन्वेस्टेड फॉर 3 ईयर्स एट अ सिंपल इंटरेस्ट एट अ सर्टेन रेट, हैड इट बीन इन्वेस्टेड एट अ 4% हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट इट वुड हैव फेस्ड ₹600 मोर द सम। यानी एक कोई सम है उसको हम 3 साल के लिए, एक इंटरेस्ट रेट है जो कि हमें पता नहीं है, उस रेट पर हम क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। अगर हम उसी सम को सेम ड्यूरेशन के लिए 4% ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पर हम इन्वेस्ट करते तो जो इंटरेस्ट होता हमारा वो फर्स्ट कंडीशन में जो इंटरेस्ट हो रहा है उससे 600 ज़्यादा है। तो हमें बताना है कि जो सम था वो कितना है। तो देखिए फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग हम चलते हैं, तो फर्स्ट कंडीशन में हमने मान लिया इंटरेस्ट है आई, प्रिंसिपल है हमारा पी और रेट है हमारा आर, कितने टाइम के लिए दिए है तो 3 ईयर्स अपॉन 100। सेकेंड कंडीशन में हमारा जो इंटरेस्ट है वो 600 इंक्रीज हो गया पी, अब यहाँ पर रेट भी इंक्रीज हो गया, हमारा रेट क्या बोल रहा है, पहले जो रेट था उससे 4% ज़्यादा, तो आर प्लस 4 इंटू टाइम सेम है अपॉन 100। इस इक्वेशन में से हम यहाँ से 600 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 600 इक्वल्स टू हो जाएगा पी, हम इसको मल्टीप्लाई कर सॉल्व कर देते हैं तो ये हो जाएगा 3 PR प्लस 12 P अपॉन 100 माइनस आई, और यहाँ पर आई की वैल्यू क्या है, ये है, ये हम रख देते हैं तो क्या हो जाएगा 600 इक्वल्स टू, हमारे पास आ जाएगा 600 इक्वल्स टू 3 PR प्लस 12 P अपॉन 100 माइनस 3 PR अपॉन 100। ये हमारा LCM आ गया 100, हमारा LCM आ गया 100, जब हमने सॉल्व किया तो 3 PR से 3 PR कैंसिल, क्या बचा सिर्फ 600 इक्वल्स टू 12 P अपॉन 100। हमने जब इसको सॉल्व किया तो ये कितना आ गया 500 इंटू 100, यानी पी की वैल्यू आ गई 5000, पी की वैल्यू आ गई 5000, ऑप्शन सी। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है, द एवरेज वेट ऑफ 50 बॉयज इन अ क्लास इज 45 kg। एवरेज वेट दिया है हमें 50 बॉयज का, तो हम मान लेते हैं 50 बॉयज का जो वेट का जो टोटल सम है वो कितना है, एक्स अपॉन 50 हमें दिया है 45। सेकेंड कंडीशन हमें क्या दी है कि जब इसमें से एक बच्चा चला जाता है तो अब जो एवरेज है वो कितना डिक्रीज हो जाता है, 100 ग्राम डिक्रीज हो जाता है। तो देख लीजिए 100 ग्राम डिक्रीज हो जाता है, तो हम मान लेते हैं जो उस बच्चे का वेट था वो कितना था, YKG। अब कितने बच्चे यहाँ पर बचे, 49, एवरेज कितना हो गया 44.9, क्योंकि 0.1 kg यानी 100 ग्राम कम हो गया। हमारे पास दो इक्वेशन हो गई, हम इस इक्वेशन से x की वैल्यू फाइंड करेंगे, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 45 इंटू 50 2250, x की वैल्यू हमें फाइंड कर ली 2250, ये x की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे। तो देखिए हम पुट कर देते हैं 44.9 इक्वल्स टू 2250 माइनस y अपॉन 49, इसको सॉल्व कर लेते हैं, हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा
2 0.1 इक्वल्स टू 2250 माइनस वाई, और वाई इक्वल्स टू 49.9 kg। यानी वो जो बच्चा जिसने इस क्लास को छोड़ के चला गया, जिसकी वजह से जो एवरेज था वो 100 ग्राम डिक्रीज हो गया, उस बच्चे का वेट कितना था? 49.9 kg। तो ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। फिर हम कल मिलेंगे अगेन 10 क्वेश्चंस के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तब तक पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।